हमारे संविधान के मूल्य बेखूबी सनातन धर्म को परिभाषित करते हैं। प्रस्तावना में सनातन धर्म नीत है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ सनातन धर्म। हमारे संविधान के मूल्य बेखूबी सनातन धर्म को परिभाषित करते हैं। प्रस्तावना में सनातन धर्म नीत है। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इमानेट फ्रॉम सनातन धर्म। द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कैन बी सीन इन सनातन धर्म। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ सनातन धर्म। सनातन इज ऑल इंक्लूसिव। सनातन इज द ओनली वे फॉर ह्यूमैनिटी टू मूव फॉरवर्ड। ये सनातन की तो देन है कि वसुदेव कुटुंबक की बात करते हैं और हमने तो इसको दुनिया में प्रसार कर दिया है और दुनिया ने ग्रहण कर लिया है। जब भारत ने G20 का आयोजन किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबली एक्लेम्ड G20, द मोटो वॉज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उन्होंने भारत में आकर देखा, दिस इज ग्राउंड रियलिटी हियर, द वर्ल्ड इज टेकिंग इट, इज रिसीविंग इट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द वर्ल्ड इज वेरी कीन टू अडॉप्ट द फिलोसफी ऑफ भारत। ये आयोजन निश्चित ही प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। ये आयोजन सामयिक है। आई कैन टेल यू फ्रेंड्स, दिस प्रोग्राम हैज ग्रेट कॉन्टेम्पोरेनियस रिलेवेंस। हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं, जिनका समाधान विश्व को भारत ही दे सकता है। क्लाइमेट चेंज इज एग्जिस्टेंशियल चैलेंज। हमारे पास रहने का दूसरा प्लेनेट नहीं है धरती के अलावा, और हमारी संस्कृति में झांकिए, सनातन की फिलोसफी में जाइए, गहराई से अध्ययन कीजिए, आपको पता लगेगा हम तो कभी भी क्लाइमेट चेंज को आने नहीं देते यदि दुनिया हमारी बात मानती थी। और यहां रहने वाले कुछ लोग हमारी बात मानते तो भी हम ऐसा नहीं होने देते। आज के दिन भारत इज टेकिंग ग्रेट लीड, बहुत बड़ी लीड ले रहा है। हमारे दर्शन दुनिया अडॉप्ट कर रही है।